नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? जहाँ पे बार बार मैं आपसे कह रही थी कि कोई एक दल है जो मुझे मैसेज करता है और जिनका एक बार बार मैसेज आ रहा है कि ताजमहल को लेकर फटकार लगी तो अच्छा लगा ना, तो ज़रा उनके लिए एक संदेश है मेरा। जो कोर्ट की जो टिप्पणी है और ताजमहल के जो बंद कमरे हैं, आइए हम इस पर बात करते हैं। जब इस देश की व्यवस्थाएं बन रही थी तो इसे पिरामिड स्ट्रक्चर में बनाया गया। जब संख्या के आधार पर पिरामिड का आधार आम जनता है और उसके ऊपर कार्यपालिका है और कार्यपालिका के ऊपर विधायिका और फिर उसके ऊपर न्यायपालिका, यह कोई कहने की बात नहीं है। इस पिरामिड में आप चाहें जहां भी रहें, आप पिरामिड के आधार यानी कि आम जनता में से ही जाएंगे। यानी कि चाहे आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति या फिर कार्यपालिका के वरिष्ठतम अधिकारी या सड़क पर बैठकर भीख मांगने वाले एक आम व्यक्ति, आपकी अपनी किसी दूसरे पहचान के अलावा एक पहचान और भी होगी कि आप भारतीय गणराज्य के एक नागरिक हैं जो हम सब एक संयुक्त पहचान साझा करते हैं। तो हमें इस पहचान की कद्र करनी भी आनी चाहिए और हमें करनी भी चाहिए। आप अपने अधिकार क्षेत्र में चाहे जो निर्णय ले, जो फैसला ले, आपको किसी के मौलिक अधिकार के हनन का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। आपको जिस संविधान ने निर्णायक की भूमिका में रखा, उसे संविधान में हमें अधिकार भी दिया है कि जहां भी ठगे या एहसास महसूस हो उस पर आप हमें सूचित करें। आप चाहे तो हमारे याचिका को खारिज कर दें, यह अधिकार है, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप हमारे मौलिक अधिकार को खारिज करें। आप जब अपने सुनवाई में यह कहते हैं कि जाइए आप पहले पढ़ाई करिए, पीएचडी करिए, रिसर्च करिए, तब कोर्ट आइए, तो आप देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए न्यायालय के दरवाजे बंद कर देते हैं। माफी चाहूंगी, थोड़ा सच कड़वा है पर यही सच है। माननीय न्यायालय, पूरे सम्मान से कह रही हूं कि आपकी ये टिप्पणी बाबा साहब के आदर्शों के खिलाफ है जिन्होंने खुद संविधान की रचना की। शिक्षित व्यक्ति एकल नहीं हो सकता, शिक्षित समाज ही शिक्षित व्यक्ति बना सकता है और शिक्षित समाज का निर्माण कार्यपालिका विधायिका के प्रयासों पर निर्भर करता है। और ये प्रयास कर रहे हैं या नहीं, ये देखना आपका काम है। आप बताइए, आपने कब इस मामले में हस्तक्षेप किया? कभी भी क्या आपने इस मामले में कोई दिलचस्पी ली? क्या आपने ये प्रयास किया कि देश शिक्षित समाज बने? आपकी इस टिप्पणी का जानते हैं आम लोगों पे क्या असर होगा? मैं बताती हूं, थोड़ा फुर्सत हो तो एक बार सोशल मीडिया पर जरा खोल कर देखिएगा, फुर्सत थोड़ा निकालिएगा। जो डिग्री से शिक्षित हैं वो उनका मजाक बना रहे हैं कि जिनके काम किसी डिग्री का मोहताज नहीं, एकाएक उन्हें लग गया कि मैं पीएचडी हूँ, मैं साक्षर हूँ, तो न्यायालय में सिर्फ मेरी सुनेगा। आपका काम तो ये सिर्फ ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने राजा और रंक दोनों बराबर हों। आपका काम ये सुनिश्चित करना है कि राजा और प्रजा, शिक्षित अशिक्षित लोग दोनों बराबर हो। आप तो आतंकवादियों के लिए दो दो वर्षों तक के लिए उपलब्ध हैं, रात के 12 एक बजे कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर ये टिप्पणी, मैं फिर कहती हूं कि आपका याचिका पर सुनवाई करे या खारिज करे, ये आपका स्वाधिकार है। आपके अधिकार क्षेत्र में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन आपने जो टिप्पणी की वो स्वीकार नहीं है। हर एक आम नागरिक आज बहुत शॉक्ड है। आप जानते हैं कि इस देश में मात्र 70% अपराधी आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं और जो 30% नहीं पहुंच जाते उसके बारे में मैं आपको बताती हूं। वो होते हैं गांव में दबंगों द्वारा किए गए बलात्कार, जमीन हड़प, लूट खसोट के वो अपराध जो उन्हीं शोषित पिछड़े और गरीबों के साथ होता है, जिनके लिए आप ये कहकर अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं कि जाओ पहले पीएचडी करो, पढ़ाई करो, रिसर्च करो, फिर आना। माननीय न्यायालय, आप भी जानते हैं कि इस देश में पढ़ा लिखा कौन नहीं है और पढ़ा लिखा कौन है, और नहीं पढ़ा लिखा होना किसी की मर्जी तो नहीं हो सकती ना। यह तो कुव्यवस्था है जिसने देश के स्कूल का मुंह तक नहीं देखने दिया। कोई विदेशों में पढ़ रहा है इस, और कोई कुव्यवस्था में पिरामिड के सबसे ऊपर जो बैठे हैं। और आप स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में हस्तक्षेप किया आपने कि सब एक जैसा पढ़े इस देश में, यह देश दो हिंदुस्तान न बन जाए, एक पीएचडी वालों का हिंदुस्तान और एक अनपढ़ गवारों का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के संविधान का पहला पन्ना ही कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑफ द पीपल फॉर द इंडिया बाद में है, पर वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग। अब आप बताएं कि माननीय न्यायालय की इस हम ने वो व्यक्ति है या नहीं है जिसने पीएचडी नहीं किया, और अगर है तो आपकी ये टिप्पणी कितनी शोभनीय है। आपको उस बाबा साहब के संविधान ने व्यवस्था के शिखर पर बैठाया जिनकी पहचान ही पिछड़ों और शोषितों के अगुवाई से बना था।
हम सब ने पढ़ा है कि बाबा साहब को स्कूल में बाहर बिठाया गया, क्यों? क्योंकि वो छोटी वर्ग छोटी जाति से थे। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या आप कुछ अलग कर रहे हैं? आप भी तो वही पे काम कर रहे हैं जो कोर्ट से, जो छोटे वर्ग के लोग कोर्ट से पीएचडी करके और बाहर रहे। कई बातें ईश्वर के शब्द रूप है माननीय न्यायालय, हम चार कदम आगे चलकर चार कदम पीछे तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपनी कई बातें वापस भी नहीं ले सकते हैं। और इस बात को मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहना चाहती हूँ, हम क्या कहते हैं उससे हमारी मानसिकता का पता चलता है। एक स्त्री होती है इस दुनिया में जिसका रिश्ता हमारे पिता से पत्नी का और हमसे माँ का हो जाता है। अब उसे माँ कहें या पिता की बीवी, ये तय करता है हमारी मानसिकता क्या है। माननीय न्यायालय, छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन आपकी बातों से आपकी मानसिकता का पता चल रहा है। थोड़ा शायद कड़वा लग रहा होगा, बट यही सच है। मैं फिर कह रही हूं कि किसी भी याचिका पर कोई भी निर्णय लेने का जो अधिकार आपको है, या आपको संविधान देता है, वही संविधान मुझे भी आपके पास याचिका लेकर आने का अधिकार देता है। आप चाहे तो कई दरवाजे लगा दे, उन कई दरवाजों पर पीएचडी किए हुए द्वारपाल लगा दे, लेकिन हम तो आते रहेंगे और आपकी नींद पर खलल डालते रहेंगे, और न्यायालय का दरवाजा तब तक खटखटाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, चाहे हम पीएचडी होल्डर हो या ना हो। इस कहानी के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। माननीय न्यायालय के आज 2000 वर्ष पूर्व कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक ग्रंथ में लिखा, राजा दुष्यंत एक बार शिकार को गए और वहां महर्षि कर्ण की बेटी शकुंतला को देखकर वो मोहित हो गए। उससे राजा ने गंधर्व विवाह किया, और कुछ दिनों के बाद अपने राज्य लौट आए। शकुंतला इस अवधि में गर्भवती हो गई, तो एक रात 7 माह के गर्भवती शकुंतला को लेकर माँ गौतमी राजा दुष्यंत के राज्य में जाती है। रात के 3 बज रहे होते हैं तो माँ गौतमी महल के बाहर खड़े होकर रात्रि प्रहर से पूछती हैं, मतलब वहां के चौकीदार से पूछती हैं, क्या यह राजा दुष्यंत का महल है? प्रहरी उत्तर में हाँ कहता है। फिर पूछती हैं माँ गौतमी कि क्या मैं राजा से मिल सकती हूँ? इसके उत्तर में प्रहरी कहता है, वो सुनिए माननीय न्यायालय, अविश्रमयोयम लोकतंत्रस्य स्वाधिकारः, यानी कि दिस इज योर, मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ, दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मीट योर एम्परर्स एनी टाइम। ये मैंने आपको इंग्लिश में इसलिए बताया है क्योंकि मैं तो शायद पीएचडी होल्डर नहीं हूँ, पर आप जरूर हैं। अब लोकतंत्र के राजा तो आप हैं, फिर आप हमसे मिलने से मुंह नहीं मोड़ सकते, चाहे हमने पीएचडी किया हो या नहीं किया हो। आपको किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी विषय में आपको हमसे मिलना होगा, हमारी याचिका को सुनना होगा और उसका सम्मान भी करना होगा। उस पर आप जो भी फैसला सुनाते हैं, मैं बार-बार बोलूंगी, ये आपका संवैधानिक अधिकार है और ये आपका अधिकार है कि आप जो भी याचिका पे आप अपना फैसला दें, हम उसको सुनेंगे और सम्मान करेंगे। लेकिन सिर्फ ये कहकर मुंह मोड़ देना और फटकार लगाना और एक गैंग का इस बात कर सिर्फ मजाक उड़ाना कि जाओ रिसर्च करके आओ, पीएचडी करके आओ, कुछ ज्यादा ही हास्यपद हो गया। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप इस पे फिर से विचार विमर्श करें, एक बार फिर से इस पर सोचें कि अगर यही रिसर्च ही करना होता तो आपके पास नहीं आते। वो याचिकाकर्ता एक रिसर्चर होता आज के डेट में, और अपने देश को छोड़कर वो कहीं नासा में होता और रिसर्च करकर अपने परिवार को पाल पोस रहा होता और बहुत धनी होता। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो बहुत ही बचकानी हैं, और आप हमारे दाता हैं, आप हमारे न्यायाधीश हैं, आपसे उम्मीद ना करें और आपके पास उम्मीद लेकर ना आए तो कहाँ जाएं। जय हिंद।